भैया टाइम अगर हमारा ओवर हो रहा है तो आप सबको देखिए, हम अभी बैठ जा रहे हैं, टेंशन नहीं है, कहो तो बैठ जाए। नहीं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, इस समय तो हम आपके गुलाम हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, जैसे ही इस कटपीस से खुश होकर हमारे सोले भैया आपकी तरफ से 51 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। जब गजबड़ पानी ले चली इधर शुक्राचार्य के यहाँ, जब प्रभु पावन पावन अंगुल यानी पावन भगवान बन के आ गए और कहा कि त्रिवाचा दो, त्रिवाचा दो कि तीन पग भूमि दोगे, तो शुक्राचार्य जी घुस गए टोटी में। जब घुस गए तो इधर एक सीख उठाई और जब सीख डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जब एक आंख फूट गई तो भागते भागते अपने घर आए और घर आके अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? पत्नी से कहा कि सुनो, आए जब बल के हरिद्वारा, ताकत है छोटा भीम की। आए जब बल के हरिद्वारा, जब हरिद्वारा आए चले गए वो हरिद्वारा। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि बलि छल गए हरिद्वारा, अब जरा ये सोचो कि बचाए कौन भला उसको, मारा जाए जो हरिद्वारा, जो हरिद्वारा मारा जाए उसको कौन बचा सकता है, बचाए कौन भला उसको, मारा जाए जो हरिद्वारा। निज ग्रह आए बहुत पछताए, निज ग्रह आए बहुत पछताए, मेरी नादानी सही, निज ग्रह आए बहुत पछताए, मेरी जान बची तो लाखों पाए, जाने बच गई। आओ कहिए बात सही, निज ग्रह आए बहुत पछताए, मेरी नादानी सही, जान
आंख एक कानी की सही सुना भी हम लोगों ने सुना। सचदेवा भाई कह रहे हैं कि मुकेश भैया मैंने एक क्रम लगाया था, अब इनका भैया क्रम सुनना, पहले हाथ जोड़ के गिनती गिनती है आप लोगों से, जरा क्रम सुनिए आप। मैंने जो जवाब दिया फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या बताया था। भैया ने क्रम बताया, कभी नाथा है कालिया, इसमें इन्होंने का लिया का सक, कभी माटी को खा लिया, पहले खा शब्द आ गया मैंने मान लिया का और खा, इसके बाद सुदामा को हृदय से लगा लिया। अच्छा लगा लिया जब आप लिखेंगे तो गा के पहले ला क्यों आ गया? बहुत सही पकड़े बेटा, ये बात, ये आपका शब्द पूरा नहीं हुआ भाई। जैसे का लिया मैंने का पकड़ लिया, बहुत सही, खा लिया मैंने खा शब्द भी मान लिया, लेकिन लगा लिया ये तो ला पहले आ गया गा बाद में आया। समझो ये बात, आघा लिया पहले आग आ गया बाद में घा आया। बेटा किस स्कूल में आपने ये 12 खड़ी पढ़ी है, किस स्कूल में पढ़ी है? आपका क्रम पूरा नहीं हुआ। हाँ, आपका गीत अति उत्तम नहीं सर्वोत्तम होता, जिस प्रकार से का लिया खा लिया उसी प्रकार से का लिया और घा लिया भी आ जाता है, तब आपका गीत अच्छा होता। और क्या, लेकिन अगर लगा लिया तो गा के पहले ला क्यों आ गया? व्हाट इज द रीजन? पहले छोटा बड़ा गौर से पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो, गा के पहले ला नहीं आता है और घा के पहले आ नहीं आता है, पूरा आता है, पूरा पैसा बेकार चला गया पढ़ाई। इसलिए बेटा ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, जरा इसमें गौर से विचार करना। अब रही बात, आपने कहा आपने क्रम नहीं लगाया, आपने पायल को पैर में पहना दिया और जो गजरा था, गजरा गजरा पैर में और पायल कान में, देखिए तुम्हारी केवल समझदारी खराब है। मैंने जस्ट अपोजिट किया था, जो नीचे की चीज है वो ऊपर पहन ली और जो ऊपर की चीज है वो नीचे पहन ली। भैया इसमें कोई गलत है? कहां खोए हो बेटा? भाई मैंने अपोजिट किया था जस्ट, क्या इसमें कुछ गलत है? ऐसी सरल ऊपर की चीज, जो गजरा ऊपर बालों में सजाया जाता है वो पैरों में पहन लिया और जो पैरों की पायल है वो कान में पहन ली। मैंने नीचे की ऊपर ऊपर की नीचे की थी। अब वो बात अलग है कि आप जब छोटा बड़ा जानते ही नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती है ना भाई, ना छोटा भाई है, चिंता मत करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बात और आपने कही है, कि मैं इस प्रकार का, मुकेश भैया आपको बुरा लग गया, बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? ये लाइन ही आपकी गलत है, बुजुर्गों की निशानी हर इंसान रखता है। और क्या,
और जिस घर में बुजुर्ग नहीं होंगे ये बताइए उस घर का क्या, उस घर का परिवार बढ़ सकता है? भाई बुजुर्ग होंगे जब बाबा होंगे तभी तो पिता होंगे, तब तो बाप पैदा हुए, और जब बाप है तभी तो हम पैदा हुए, और जब हम हैं तो तभी तो हमारे बच्चे पैदा होंगे। कह रहे बुजुर्गों की निशानी कौन होता है? चलो खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके कानपुर में। छोड़ो बेटा छोड़ो, छोटा भाई ऐसे लोग वैसे है नहीं, बच्चा है लेकिन हो सकता हो जाए, बच्चा है गलती हो जाती है, छोड़ो। फिर आप कह रहे हैं कि मुकेश भैया ये मुरलिया ही गाते रहे आप आनंद नहीं दे पाएंगे, ये बात सत्य है। आनंद तभी आएगा जब आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। ये बात बाजे रे मुरलिया बाजे, ये बाजे रे मुरलिया बाजे, आधारी धरे आधारी धरे मुरली पर मोहर, बीच में माया साजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। ये लड़का बड़ा शरारती है। कीर्तन गाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, अच्छे अच्छों का। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भैया आप सरगम गाते हैं, सरगम गाइए। जब आप सीधी लाइन नहीं गा पा रहे हैं तो मैं सरगम क्यों बर्बाद करूंगा? और क्या, बिल्कुल बेटे। ये कितना प्यारा, हर इंसान इस भजन को गाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सवाल नहीं दोहराऊंगा। आपने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब है, सुनिएगा। एक आपने गीत दिया चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि केवल आधा घंटा है। बिल्कुल बेटे। रूप कदी बिजला बाजरा बिजला गाजरा नोटों पे लाली, अरे कमर नीचे पहनी जो भी पहना हो पहने रहो, मर्यादित मंच है। बन गई देखो जी मजबूती के गज भर पानी ले आई, गज भर पानी ले आई, क्या बात है बेटे। आपका गीत कह रहा है जान बची तो लाखों पाए, सही बात, लौट के बुद्धू घर को आए, सब लौटेंगे। बहुत अच्छा गीत है आपका। फिर एक लाइन आई आंख कहानी ही सही, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बिल्कुल बेटे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि एक मोहल्ला अगर साफ हो जाए तो एक मोहल्ला की वोटिंग तो चली ही जाती है। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। क्या बात बड़े। लेकिन आपने शुक्राचार्य जी की ये कहानी बताई है। अच्छा ये बताइए शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, आखिर आंख फूटी क्यों? जवाब सुनिएगा, सुनिए आंख क्यों फूटी? ये बात, कोई इंसान धर्म कर्म में कभी दान दे, अगर वो 5,000 रुपए या 50,000 रुपए दान दे रहा है, दान देते समय दानी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए कि तुम इतना दान दे रहे हो कम दो। ये बात। और अगर दान देते समय तुमने दानी का हाथ पकड़ दिया तो वो महापाप
हो जाता है। और क्या? यही हुआ शुक्राचार्य जी के साथ, क्योंकि वो भगवान बामन को दान दे रहे थे राजा बलि, लेकिन उन्होंने कहा नहीं राजन इन्हें दान मत दो, ये छलिया है। तो भगवान ने क्या किया, गड़ुआ की टोटी में जब लग गए तो एक सीख डाल दी, तो आगे मोहल्ला साफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, साफ हो गया तो हो गया, हो गया। लेकिन सुनिए, सुनिए अब देखिए, जवाब के तौर पे मैं एक ऐसा प्रसंग आपको दे रहा हूं जिसमें एक आंख खराब होती है, फिर दूसरी आंख खराब होती है, फिर दोनों आंखें सही हो जाती हैं। क्या बात बेटे? ऐसा नहीं है कि शुक्राचार्य जी की आंख खराब हो गई फिर जिंदगी में कभी सही नहीं हो पाई, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं कि एक आंख खराब हो गई फिर दूसरी आंख भी खराब हो गई। क्या बात बेटे? और फिर दोनों आंखें सही हो गई। ये किसे जवाब कहते हैं, सुनिएगा। सुनिए, पूजा की जाए सबर द्वारा, ये पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। एक भील भीलनी, जिस भील का नाम था सबर, सबर दंपति जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थे। तो पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। सब दोनों अलग हैं, अर्थ दोनों अलग हैं, सब एक है। अरे पूजा की जाए सबर द्वारा, पूजा फल पाए सबर द्वारा। ओ सबर से शिव प्रसन्न होते, अरे सबर से शिव प्रसन्न होते, प्रसन्न होते वर द्वारा। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वर के द्वारा कुछ ना कुछ इंसान को जरूर देते हैं। देखिए हुआ क्या, अचानक शिव की आंख पे टूटी आंख, अचानक शिव ने आंख की आंख में धार निकाली है। अचानक भोले बाबा की एक आंख से रक्त की धार बहने लगी, एक आंख से, क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा कर रहा था, बड़े प्रेम से पूजा कर रहा था। जब भक्त ने देखा शिव जी की एक आंख में तकलीफ, तो उसने उस आंख को निकाल के अपनी एक आंख भगवान को लगा दी। देखिए भक्त की भक्ति, देखिए भगवान की आंख अलग करके अपनी एक आंख तीर के द्वारा निकाली और लगा दी। जब भगवान शिव की एक आंख ठीक हो गई तो दूसरी आंख से रक्त बहने लगा, तो उस भक्त ने वो भी आंख निकाल के अपनी लगा दी। क्या बात बेटा, कुल मिला के भक्त अंधा हो गया। अब देखिए होता क्या, तो शिवजी ने शिवजी की तो आंख निकाली, शिवजी की एक आंख निकाली, दूसरी आंख भी हो गई लाली। लेकिन सुनिए, शिवजी की एक आंख निकाली, दूसरी आंख में आई लाली, आंखें दोनों हुई सही। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भक्त अब कुछ नहीं समझ पा रहा है कि कहां पे रोली है कहां पे चंदन, क्योंकि दोनों आंखें लगा दी, दोनों आंखें शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान प्रकट हो गए, कह दिया वरदान मांग लो। भगवान से कहा कि प्रभु पहले ये बताओ आपकी आंखें ठीक है कि नहीं। भगवान ने कहा नहीं मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो जाओ। सुनी हुआ, आंख दोनों हो गई सही, आंख दोनों हो गई सही, आंख दोनों हो गए 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 सही।
सचदेवा भाई कि आपने इसमें मुहावरे नहीं लगाए। अब अगर मैं मुहावरे इस जगह पे लगाऊं कि भोले बाबा के लिए एक ये बात कह दूं, अंधा चूड़ी अंधा रूड़ी चीन के बांटे, तो ये बात भोले बाबा के लिए अच्छे नहीं होंगे ना बेटे ना। किसी भी प्रकार का मुहावरा भोले बाबा के लिए अच्छा नहीं होगा, हालांकि लगाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। सुनेगा अंधा घोड़ा अंधी घोड़ी काना सिपाही, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, रब ने खूब बना दी जोड़ी। लेकिन इन शब्दों को लगाने से भोले बाबा का अपमान होगा, इसलिए मैं किसी भी वक्त को नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि भोले बाबा की पूजा में कोई भी मुहावरा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सीधी सार्थक पूजा होनी चाहिए। तो सुनिए, वर्षे वो आंखें हुई सही, 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 वर्षे वो आंखें हुई सही। तो गई है दोनों आंख की लाली, जो बैठा था तर पे सवाली, उसकी तो आंखें हुई सही, उसकी तो आंखें हुई सही, उसकी तो आंखें हुई सही, उसकी तो आंखें हुई सही। ये तो आपके आंख एक कहानी ही सही, तो इसमें भगवान भोले बाबा की भी दोनों आंखें सही हो गई और उस भक्त की भी दोनों आंखें सही हो गई। इसमें ना कोई काना रहा ना कोई अंधा रहा, और ये प्रतिक्रिया दोनों भक्त और भगवान में हुई, ये अपनी तरफ से प्रयास रहा है।